स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने कबूतर और जाल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर कबूतर कहाँ रहते थे, इसका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है कबूतर कहाँ रहते थे। कबूतर जंगल में एक बरगद का पेड़ था, पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। तो बरगद का एक पेड़ था, वहाँ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। बहेलिए ने जाल कहाँ बिछाया, बहेलिए ने जाल कहाँ बिछाया था, पेड़ के नीचे जाल बिछाया। ग, उड़ते उड़ते कबूतर कहाँ पहुँच गए थे, उड़ते उड़ते कबूतर कहाँ पहुँच गए थे, मंदिर के पास पहुँचे, एक मंदिर के पास पहुँचे। ग, चूहे ने पहले किसको छुड़ाना चाहा, पहले वह मुखिया की ओर जाल काटने लगा। इसका मतलब है कि पहले वह अपने मित्र कबूतर, जो उसका मित्र था, मुखिया मित्र, वह पहले उसको छुड़ाना चाहता था। सो रिपीट अगेन, कबूतर कहाँ रहते थे, कबूतर एक बरगद के पेड़ पर रहते थे। सेकंड, बहेलिए ने जाल कहाँ बिछाया, बहेलिए ने पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। उड़ते उड़ते कबूतर कहाँ पहुँचे, एक मंदिर के पास पहुँचे। चूहे ने पहले किसको छुड़ाना चाहा, चूहे ने पहले अपने मित्र कबूतर मुखिया मित्र को छुड़ाना चाहा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।